बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए बच्चा ही रहता है। यही सोचते हो ना आप? अंधेरे में छुपकर क्यों खड़े हो अभी? छिपना तो झूठ को पड़ता है, सच्चाई को अंधेरे से डर नहीं लगता। ये टैप तुम्हारे पास कहां से आया? आपके कमरे से। तुम मेरे कमरे में गए थे? तुम एक बेटा अपनी माँ के कमरे में नहीं जा सकता, या सिर्फ आपका बड़ा बेटा आपके कमरे में नहीं जा सकता? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है अबीर। आपने ये फोटो देख ली थी, इसलिए पहले आपने रिश्ता बदला और फिर पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लिया। अबीर, आज आपको मानना होगा कि आपने रिश्ता इसलिए बदला क्योंकि आपको लगने लगा कि अगर वो लड़की इस घर में बहू बनकर आई तो आपसे इस घर का कंट्रोल छीन लेगी और कुणाल पर से कंट्रोल भी छीन लेगी। पागल हो गए हो अबीर? बस भाई, क्या कर रहे हो ये? पर्दा हटा रहा हूं जो माँ ने हमारी आंखों पर डाल रखा है। माँ ने मिष्टी को तुम्हारे लिए नहीं चुना था, वो तो उनने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो खुद उस रिश्ते के लिए मना कर दे। और जब फिर भी वो केतकी के संगीत पे यहाँ आए तो उन्हें और ज्यादा इंसल्ट करने के लिए पुलिस को यहाँ बुला लिया। बस करो अबीर, बस। आप बस कीजिए माँ। भाई स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। नहीं नान को, वो आज बीच में नहीं बोलेगा। आज माँ को मानना पड़ेगा कि तुझे कंट्रोल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी को भी हर्ट कर सकती है। अरे हमारी सोसाइटी ऐसी है कि एक लड़का कुछ करे तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब किसी लड़की पे एक उंगली भी उठती है तो सोसाइटी उसे ना ही भूलती है ना ही उस लड़की को भूलने देती है। आज अगर उन दो लड़कियों को पुलिस अरेस्ट कर लेती तो आज आप उन दो लड़कियों को जेल भिजवाने के लिए भी तैयार हो गई थी। आपकी वजह से हम पर क्या क्या बीतती है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना? अबीर, क्या कहा तुमने? मेरी वजह से आप सभी को सहना पड़ता है? क्या सहना पड़ता है बताइए आप, बापूजी आप बताइए। अभी तू पुलिस को कैसे पता चला कि कुहू और मिष्टी इस घर में? मैं नहीं जानती, हो सकता है पुलिस पहले उनके घर गई हो और फिर यहाँ आई हो। यही तो बात है, पुलिस वहां गई नहीं, पुलिस सीधा यहाँ आई जैसे उन्हें किसी ने बताया हो कि वो पूरी फैमिली यहाँ पर है। माँ ने कुहू को होली में वही झुमके पहने हुए देखा था। माँ को लगा कि वही लड़की है जिसने केतकी की आंखें खोली थी। क्या ये सच है कि आपको पता था कि कुहू वो इयररिंग वाली गर्ल है? बोलिए माँ, क्या पुलिस को आपने बुलवाया था? नहीं। मैंने बुलाया था पुलिस को। मासी, मासी आप कब तक माँ की गलतियां छुपाती रहेंगी? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे वो झुमके तुम्हारे कमरे में मिले तो मुझे ऐसे लगा हमें सबूत मिल गया। फिर मैंने बिना नाम बताए पुलिस को फोन किया और कहा कि जिन लड़कियों ने हमारी केतकी को उकसाया था वो लड़कियां यही हैं। पर पारुल क्यों? क्योंकि वो लड़कियां हमारे घर के लिए अच्छी नहीं है, ऐसे मुझे लगा। क्योंकि मुझे केतकी घर छोड़ जाने पर हम सबका डर, हमारी चिंता याद आई। बाबूजी, निर्मा ने कुछ नहीं किया अबीर, चाहे तो तुम मेरा फोन चेक कर लो। मैंने ही
फोन लगाया था पुलिस को। मुझे अभी भी आपकी बात पे यकीन नहीं हो रहा मासी। भाई मैंने मासी को आपके कमरे के बाहर देखा था। इट्स ट्रू, मैंने खुद देखा था कि वो वहां खड़ी थी। मुझ पर यकीन ना सही, लेकिन नानको पर तो भरोसा है ना। हबीर, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी माँ बहुत बुरी है? हाँ बुरी हूं मैं, पर इतनी भी बुरी नहीं हूं कि अपने बेटे कुणाल का रिश्ता तोड़ने के लिए केतकी का रिश्ता दांव पर लगा दूं। उसकी इज्जत नहीं उछाल सकती मैं। बाहर वाले शक करे तो सिर्फ दिल पर दरार पड़ती है, पर जब अपना बेटा शक करे तो दिल टूट जाता है। चलिए मां, आज के लिए इतना काफी है। चलिए सॉरी बड़े पापा। खोलिए इसे, लीजिए। बड़े पापा ये तो गोल्ड ब्रेसलेट है। हैशटैग वेरी प्रिटी लाइक अस। ये हम आपको आपके जन्मदिन पर देने वाले थे, वो दिन मनाने के लिए जब आप दोनों ने इस दुनिया में आकर हमें इतनी बड़ी खुशी दी थी। लेकिन ये तोहफा हम आप दोनों को आज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप दोनों ने हमें खुद पर और अपनी परवरिश पर गर्व करने का मौका दिया। आप हमसे नाराज नहीं है? नहीं बेटा, हमें तो नाराज है आप पर। जब आप उनके घर से हमें ऐसे ले आए थे ना, तो हमें लगा था कि आप हमारी वजह से बहुत एम्बैरस्ड है। बेटा अगर हम वहां रुकते तो शर्मिंदगी तो होती, लेकिन हमारी नहीं, उन लोगों की। जब एक बेटी अपने घर से निकलती है ना, वो अकेले नहीं निकलती, अपने पूरे घर का सम्मान अपने साथ लेकर निकलती है। और आज आप दोनों की वजह से राजवंश परिवार का सम्मान घर में वापस लौटा था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने आप दोनों का धन्यवाद उस तरह नहीं किया जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। अगर हम वहां और रुकते तो यशपाल जी इस एहसास के तले दब जाते, और हम उन लोगों को ये बात जताना नहीं चाहते थे कि आज हमारे घर की बेटियों ने उनके घर पर कितना बड़ा एहसान किया है। बाबूजी खुदा ने कल फोन करके नहीं शौर्य, अब हम में से कोई उनसे कोई बात नहीं करेगा। अगर कोई बात होगी तो पहल उनकी तरफ से होगी। उन्हें भी तो पता चले कि अगर ये घर कन्यादान भी करता है तो सर उठाकर। इस घर में तुम ही तो मेरे इकलौते दोस्त हो। हमने केतकी को भागने को नहीं कहा था। फोन करके पूछ लूं क्या वो कैसी है? नहीं, फोन करने के लिए बहुत देर हो गई। मोबाइल होता तो मैसेज कर देता।
एक सम्मानित घर की लड़की को बहला फुसला के गोड़धाड़े से भागने के लिए एनकरेज करने का आरोप है इन पर। केतकी घर पे सही सलामत है, तो वो मिष्टी और कुहू की वजह से ही। दिन में कितना कुछ हो गया, पता नहीं कल क्या होगा। अनु आप सोई नहीं? घर में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आंखें कैसे मूंद लूं बेटा? नानू मुझे भी नहीं समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बार बार मुझे माँ और भाई के बीच में क्यों चुनना पड़ता है किसी एक को? नानू आपको पता है एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता जब इन दोनों की लड़ाई नहीं होती। आई जस्ट विश लाइफ इतनी सिंपल होती कि बस हंसते गाते निकल जाते। I'm sorry. भाई आप तो बहुत ज्यादा बोल गए अभी बेटा। जानता हूं नानू भाई, आई नो माँ काफी डिफिकल्ट है, बट आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। जानता हूं, तो माफी मांग लो ना उनसे। माफी मांगेगा? मांगूंगा, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन? मैं बिंबा। आपको कुछ चाहिए बिंबा? हाँ तो मुझे बुला लेती। मैंने आपके साथ जो किया वो गलत था, लेकिन उसके पीछे की वजह गलत नहीं थी। मैं जानती हूँ बिंबा, हमने जो कुछ किया वो कुणाल के लिए किया, लेकिन बिंबा अगर अबीर बीच में नहीं बोला होता और पुलिस उन लड़कियों को पकड़कर बाहर लेकर आती तो पारेख परिवार को पता चल जाता कि केतकी अपने गोड़धाणा के दिन घर छोड़कर भाग गई थी। तो भी रिश्ता नहीं टूटता पारुल, क्योंकि मिस्टर पारेख अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो ये रिश्ता तोड़ते तो उनके हमारे साथ जो बिजनेस डील है वो भी टूट जाती। ओ हेलो बेंजी, तेरा रिश्ता ऑलरेडी हो रहा है। ये लड़के हैं, कोई सैंडल नहीं, केक मम्मी ले आई और 3 ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए। वैसे तो मैं जानती हूँ तेरी एडवाइस तेरी तरह सिली होने वाली है, पर तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। फाइनली देख, तेरे चश्मे का फ्रेम बहुत बोरिंग है और ये हेयर स्टाइल तुझ पे बिल्कुल सूट नहीं करता, लेकिन ज्यादा पैर पड़ने की जरूरत नहीं। मैं तुझे शॉपिंग करा दूंगी, मैट्रिमोनियल साइट पे अकाउंट बना लूं मैं भी। आई एम सीरियस कुहू। तू तो पैदा ही सीरियस हुई थी, डॉक्टर ने भी कहा था बधाई हो सीरियस हुई। वैसे केतकी ने जैसे डिस्क्राइब किया था ना, उसकी कोई उससे कहीं ज्यादा डेंजरस निकली। मतलब जो केतकी के भागने पर पुलिस कंप्लेंट कर सकती है, कोर्टशिप की न्यूज सुनने पर पता नहीं क्या करेगी। तो मेरी बात सुन रही है ना, कि केतकी ने जितना कहा था उसकी फुई उससे ज्यादा डेंजरस है, उसके भागने पे पुलिस कंप्लेन कर दिया तो तेरे कोर्टशिप के केस पे कैसे रिएक्ट करेगी? सुन रही है तो बोल ना, मैं क्या करूं? जब डेली सोप की 100 सांसें मरी थी ना, तब जाके ये आंटी पैदा हुई थी। हैशटैग वेरी डेंजरस। लेकिन लेकिन क्या? पहले इनमें से ही फोटो सिलेक्ट कर दे। ठीक है बता। हाँ ये वाली ठीक है, अब बोल। लेकिन ये कि जब मिक्सर में सर दे ही दिया है तो फिर करंट से क्या डरना? कहावत तो सही से बोल, ओखली में सर दे दिया है तो मूसल से क्या डरना। ये मेरा वर्जन है, हैशटैग रीमिक्स। ओके और देख, मुझे नहीं पता कि तूने कोर्टशिप की बात क्यों रखी, लेकिन अब रख ही दिया ना तो पीछे मत हट।
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तू भी मेरी तरह रिजेक्ट हो जाएगी। वैसे जैसे तेरी पर्सनालिटी है, आई एम श्योर कि तूने रिजेक्शन का प्लान मन में बना ही लिया होगा, राइट? कम से कम दिल तो नहीं टूटेगा। अरे हल्दी तैयार है। अरे माली, I'm sorry, ma. दादू सेल्फी। अरे अरे हाँ हाँ, आ गए आ गए आ गए। यशपाल जी, यशपाल जी। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्णा, आइए विराजे। विशंबर जी, कल जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ऐसी बातें करके आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप जैसे इंसान का सर कभी झुकना नहीं चाहिए। बाप का सर है ऊंचा भी औलाद की वजह से होता है, और झुकता भी औलाद की वजह से। आपकी बेटियों ने जो किया उस पर आपको गर्व है, मेरी बेटी ने जो किया उस पर मुझे। आज केतकी की हल्दी है, अगर आप सब आएंगे तो मैं समझूंगा आपने हमें माफ कर दिया। यशपाल जी, आप यहां आए यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पर हम इस फंक्शन में, इससे पहले कि आप ना कहें मैं कुछ कहना चाहता हूं। कुणाल, कैसे कृष्ण? राधे। आई नो कि एक के बाद एक ऐसी चीजें हुई जिससे आप सब नाराज होंगे, काफी अपसेट भी होंगे, पर एक बार सोच के देखिए, केतकी घर से भागी, क्या इसका मतलब ये नहीं था कि आपकी और हमारी किस्मत में मिलना लिखा था? देखिए, मेरे नानू बहुत ही प्राउड इंसान है, फिर भी वो आप सबसे माफी मांग रहे हैं, तो मेरी भी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे इनविटेशन का मान रख लीजिए। आराम से। बेटों की मां को गिरने का डर नहीं होता, एक ना एक बेटा तो संभाल ही लेगा। रात को ठीक से सोए नहीं हो तुम, है ना? बिना डरे अपनी बात सामने रखने में और बदतमीजी करने में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। कल शायद मैं वो फर्क भूल गया था। अबीर, तुमने जो भी कहा जैसे भी कहा, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा है बेटा। तुम्हें जो सच लगता है वही तुम कहते हो, है ना? और तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब जानबूझकर किया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को ताने देते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे डिफरेंसेस बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारा रिश्ता उससे भी बड़ा। मेरा बेटा इतना सयाना हो गया, अच्छा लगा। तो आप समझदार हो गए हो तो अपनी माँ की एक बात मानोगे? तुम्हारा जब भी दिल करे खूब जोर से कस के मेरे साथ लड़ो झगड़ो, जो दिल में आए वो मुझसे कहो, पर मुझसे वादा करो अपनी माँ को छोड़कर कभी मत जाना। नहीं जाऊंगा। स्टार
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।